उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में निजामाबाद थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव के पास आज तड़के पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में दोनों तरफ से गोलियां चली, जिसमें दो बदमाश घायल हो गए जबकि एक सिपाही को भी गोली लगी है। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार साहनी ने बताया है कि देर रात पुलिस को बदमाशों के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद निजामाबाद पुलिस ने घेराबंदी की और स्वाट टीम के साथ कई थानों की फोर्स को भी मौके पर भेजा गया। चारों तरफ से घिरा देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में भी फायरिंग की गई। बदमाश गोली लगने से घायल भी हुए जबकि तीसरे बदमाश सलमान को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बदमाशों की गोली से एक सिपाही भी घायल हुआ हालांकि, और पुलिस ने बदमाशों के पास से पिस्टल भी बरामद की है। इस बीच पुलिस के मुताबिक तीनों बदमाश बेहद शातिर हैं और गैंगस्टर आदि में पहले भी जेल जा चुके हैं। एक दर्जन से ऊपर मुकदमे इनके ऊपर हालांकि दर्ज हैं। तीनों 5,000 के इनामी भी हैं। देर रात सूचना मिली कि कुछ बदमाश मूवमेंट कर रहे हैं, उस पर थाना निजामाबाद की टीम थी, वो गश्त कर रही थी। उसने कुछ लोगों को जाते हुए देखा और उस सूचना पे उनको रोकने पे भागे और भी थानों की फोर्स और स्वाट की टीम वहां पहुंची। मौके पे पहुंचने के बाद इन्होंने देखा एक बाइक से तीन लड़के भाग रहे थे। जब इन्होंने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायर किया और उससे जो है गाड़ी पे गोली लगी है पुलिस की और हमारे कुछ लोग घायल हुए हैं। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की है, उसमें दो बदमाशों को गोली लगी है और कुल तीन बदमाश पकड़े गए हैं जिनके पास से ऑटोमेटिक पिस्टल और वेपन बरामद हुए।